कैसे होगा फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। सो आज हमारी जो छुट्टी थी, मैंने वैसे भी छुट्टी लिया हुआ था, तो काफ़ी टाइम के बाद मेरे मम्मी पापा लोग आ रहे हैं, उनका वीज़ा लग गया था, मैं लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया हुआ था। तो फाइनली अभी मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है और उनकी फ़्लाइट 1 घंटे लेट भी है, और अभी बजे है यहाँ पे 8:15 हुए, उनकी फ़्लाइट 8:30-9 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाएगी हीथरो एयरपोर्ट पे। तो मुझे यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, और वैसे भी उनको इमिग्रेशन सब कुछ बाहर मतलब प्रोसेस करने के लिए उनको भी वैसे भी 2 घंटे लग जाते, तो बेटर है कि मैं यहाँ से ओवर टाइम से निकलूँ कि मैं सीधा जाऊँ, मुझे वेट ना करना पड़े। तो मैं बस अभी निकल रहा हूँ और जाता हूँ अभी सीधा यहाँ से हीथरो। फाइनली गाइस, मैं अभी हीथरो एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर लेवल 4 पर मैंने पार्क किया हुआ है, और शायद वो लोग लेवल 2 या 1 पर आएंगे, तो मुझे लिफ्ट यूज़ करके नीचे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो, चलते हैं। तो ये यहाँ पर देखो, ये लेवल 4 का अलग अलग पार्किंग है, और मुझे ये वाला लिफ्ट यूज़ करके जाना है यहाँ से वहाँ। कार को मुझे याद रखना पड़ेगा कहाँ पे मैंने पार्क किया हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मैं लेवल 1 पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से पार्किंग से अलग अलग रास्ता है। देखो यहाँ पे क्यू, तो देखो नीचे जाने के लिए सब पार्किंग का है, अलग अलग लेवल है। ये आप देख रहे हो ना, वो पार्किंग है। सो यहाँ से मुझे अंदर जाना है उनको लेने के लिए, मम्मी पापा को लेने के लिए। ये टर्मिनल 2, ऑलमोस्ट इंडियन की फ्लाइट यहाँ पर ही आती है, ये अराइवल। अभी वो लोग शायद आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये साइड से आएगी क्या? यहाँ से वो लोग आएंगे शायद। तो ये मेरे मम्मी पापा घर पे आ चुके हैं। हम लोग अभी आए 2 घंटे का ड्राइविंग करके, और थोड़े से थक चुके हैं, और रक्षा का वेट कर रहे हैं, रक्षा आएगी। घर पे आ चुके हैं, और मम्मी पापा ने हमको पहले हम लोगों को घर दिखा दिया, उनको काफ़ी पसंद आया, और वो लोग काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि कल इवनिंग से वो लोग कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली टाइमिंग चेंज होता है इंडिया से, और यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वो चीज़ हुआ है। तो आज अभी रक्षा ने उन लोगों के लिए अच्छा सा खाना व्यंजन अलग अलग बना के रखा था। ये दूध की बासुंदी उसने बनाई है, सब्जी है, दाल चावल सब कुछ बना के रखा था, क्योंकि इंडियन टेस्ट उनको अभी जाएगा नहीं। और रक्षा के लिए ये जो स्पेशल चीज़ लेकर आए थे, जो मेरे भाई यहाँ पे थे तो वो लोग बनाते थे, लड्डू है। तो वो रक्षा ने आते ही बोला कि मुझे सबसे पहले लड्डू खाना है और कुछ नहीं खाना, तो वो लोग ने इस तरह से किया हुआ था, लड्डू बनाते तो ज़्यादा नहीं आता, इसलिए वो लोग ने फिर ऐसा चूरमा जैसा बनाया था। अब उसको गर्म करेगी, गर्म कर फिर वो खाएगी, मुझे पता है उसको गर्म करके ही पसंद आएगा ना। और काफ़ी चीज़ें जो खाने की है वो सब लोग बाद में जब हम ओपन करेंगे तब खाएंगे। अब हम लोग ये हमारा जो लंच है वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि बज चुके हैं यहाँ पे 2:15, हम लोग सुबह 8:15 को यहाँ से निकला था। तो ये हमारा आज का लंच है, और बहुत काफ़ी अच्छा इंडिया जैसा वेदर दिख रहा है, देखो बहुत अभी टेम्परेचर नाइट नियरली 20 के आसपास टेम्परेचर है यहाँ पे। तो ये थेपला के साथ आया हुआ मसाला है। गाइस, हम लोगों ने स्पेशली ये देखो, ये आम मंगाया हुआ इंडिया से, प्रॉपर जूनागढ़ के तलाला का आम, अभी थोड़े कच्चे हैं, अभी पकने की वेट करेंगे तो हम लोग खा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। और मैंने स्पेशली ये चॉकलेट मंगाई थी कैपिको, ये वाली, तो इतनी आई हुई है, चलेगी 1-2 महीने के ऊपर, तो हम लोग ये इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और ये एक अचार है, ये अचार वाला है, और ये फिर कोकोनट का पाउडर, ये भी इंडिया से मंगा, अच्छा हो ये आ चुका है, क्योंकि ये प्रॉब्लम करते सिक्योरिटी वाले, इसको अलाउड नहीं करते। फिर ये और एक अचार है जो रक्षा को पसंद है, ये आम का है जो मुझे पसंद है। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर सो के उठाऊँ, लाइक
ऑब्वियसली मैं मतलब सुबह से निकला था, ट्रैवलिंग किया क्योंकि यहाँ से 2.5 आवर का ड्राइविंग था एयरपोर्ट जाने के लिए, और जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और कंटिन्यू स्लो चलाना पड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी पहुँचा। और मेरे मम्मी पापा लोगों ने इमिग्रेशन फिनिश करके बैग वगैरह सब कुछ ले लिया था, और जाके फिर आधा घंटा उनको बैठना पड़ा तब जाके मैं वहाँ पर पहुँचा था, और मैं पहली बार गया था इसलिए थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगता है। सो फिर मैं हम लोग आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद मम्मी पापा तो वैसे ही तुरंत जल्दी नहा के सो गए क्योंकि कल रात को उनका एक घंटे का फ्लाइट डिले था दिल्ली से, तो दिल्ली से वो लोगों की फ़्लाइट लाइक निकली रात को 4 बजे निकली थी, तो यहाँ के सुबह 8:30 बजे 7:30 बजे का टाइम था, तो 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। तो फिर वो लोग जल्दी खा के, हम लोगों ने कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा कि निकाल के, फिर वो लोग जल्दी से सो गए और अभी भी वो लोग अभी भी सो रहे। सबसे पहले तो मुझे गार्डन वगैरह का भी क्लीनिंग करना है, इसीलिए मैंने देखो आज ये स्टैंड ये मशीन निकाला है मैंने बाहर, ये सब देखो का सब स्टॉफ यहाँ पे है, यहाँ पे है। स्पेशली हम लोगों ने घी मंगाया है क्योंकि यहाँ पे घी ना मतलब अच्छा नहीं मिलता है, तो इंडिया का काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये हम लोग लास्ट टाइम भी इंडिया से लेकर आए थे प्योर वाला घी, तो वो है, और सब में वो ही घी है। ये प्लास्टिक की बॉटल है या अच्छी वाली है, उसके अंदर घी करके ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा के फिर कवर किया, तो जल्दी से इजीली आ सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये कोकोनट भी नहीं आ सकता। मैंने वैसे जो एक पेंसिल सेल नहीं, हाँ वॉल क्लॉक वाले जो वॉच के सेल आते हैं ना वो सेल भी मंगाया था, पर वो फिर भी इलेक्ट्रिक की वजह से वो लोग नहीं आए, वो लोग ने निकाल के वहाँ पे फेंक दिए। और एक कोकोनट जो नारियल कोकोनट आता है वो पूरा सा एक कोकोनट भी था, वो भी वो लोग निकल के फेंक दिया, तो ये अच्छा हुआ कि ये वाला आ गया। हाँ समय भी डाउट था कि ये भी निकाले, सो ये अच्छा है कि ये आ गया हुआ है। और ये सब देखो मैंने आपको बताया, आप अभी जल्दी से पक जाएगा मुझे पता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिनर रेडी कर दिया, मैंने थोड़ा सा गार्डन थोड़ा सा नहीं बोलता पूरा सा ही मैंने क्लीन करके अभी रखा हुआ है, उस पर पानी वगैरह मैंने डाल दिया हुआ है, तो अभी होप्स हो कि एक वीक के अंदर अच्छा सा ये ग्रो हो जाए। नहीं और ये सामान जो कचरा निकला वो सब मैंने इसमें रख दिया, काफ़ी निकला, 3 बैग जितना खर्चा निकला। तो मैंने कहा और अब ये डिनर में नॉर्मली बनाया क्योंकि 3-4 बजे मेरे मम्मी पापा आए थे, तो उनको उन्होंने खाया था, हम लोगों ने भी खाया था। ये रक्षा ने बासुंदी बनाई थी, काफ़ी हेवी था, तो आज जाके फिर अभी हम लोग ने खाया, और ये रक्षा खाएगी आज गुजराती थेपला जो इंडिया से आए थोड़ा फ्रेश ना इसीलिए अच्छा लगता है, तो फिर खा लेंगे। ये लड्डू भी है, लड्डू नहीं खाना अभी लड्डू नहीं खाना उसको। सो ये सब्जी हम लोगों ने बनाया था, ये तो अभी हम लोग करेंगे डिनर आज। और अभी देखिए 9 बजे है यहाँ पे, फिर भी देखिए बाहर काफ़ी उजाला है, ये समर का टाइम है इसलिए। तो बस आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। आज पूरा दिन मतलब मम्मी पापा आए थे, थके हुए थे, वो जो सब भी उठे और जस्ट थोड़ा सा खाना खाएंगे क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा टफ रहता है सोने का और खाने का। तो सो कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कंटिन्यूटी में अभी कोशिश करूँगा बनाने का वीडियो। तो मैं बस आज का व्लॉग यही पे एंड करता हूँ, और हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ।